बनते हुए दिख रहा है। हिंदुस्तान जिंक का आज इसके ऑफर फॉर सेल का है दूसरा दिन, आज रिटेल के लिए ये खुल रहा है जहां वेदांता हिस्सेदारी बेच रहा है। वेदांता ने ग्रीन शू ऑप्शन का भी इस्तेमाल किया है। एक चार्ट चेक जरूर लेते हैं कुणाल जी से एक बार। कुणाल जी जरा देखें, वैसे फ्राइडे को थोड़ा सुस्त था हिंदुस्तान जिंक, क्या रहा है इसके चार्ट पर सर? देखिए, जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है दीपांशु, स्टॉक में भी एक ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया है और एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट रीजन था इस स्टॉक के लिए जो कि लगभग 580 का था। तो मुझे लगता है कि अब जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है इसमें और नीचे के स्तर मुमकिन है। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर अब सीधा 500 से थोड़ा नीचे 490 के आसपास नजर आता है, तो मुझे लगता है कि और यहाँ पर एक डाउनवर्ड प्रेशर बना रहेगा, फिर स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। तो मौजूदा स्तरों पर वेट एंड वॉच करने की राय है। चार्ट पर फिलहाल किसी प्रकार का कोई खरीदारी का संकेत नहीं। ऑलराइट, तो ये आपके लिए हिंदुस्तान जिंक, आज रिटेल के लिए ओएफएस खुला हुआ है, नॉन रिटेल हिस्सा 137% आपको भरते हुए दिखा था। और ऑफकोर्स क्योंकि फ्लोर प्राइस का डिफरेंस है इसलिए आपने प्रेशर भी इस काउंटर पर देखा था फ्राइडे के दिन। रियल स्टॉक्स